Disclaimer. This channel does not promote any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर साइंटिस्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बोर्ड पड़ा हुआ है जो कि पेगाट्रॉन का है। आप देख सकते हैं आपके सामने IMP41D3 जो कि एसीएल का ब्रांडेड बोर्ड में मतलब कि एसीएल का ब्रांडेड मशीन में मतलब सिस्टम में लगता है। तो ये बोर्ड फिलहाल तो चालू हो रहा है लेकिन कभी कभी चालू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 3 डायग्नोस्टिक कार्ड लगा के रखा हूँ और इसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा कि क्या होता है और इसकी क्या होने पर वो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेरा ही फैन कनेक्ट करके रखा हूँ कि कस्टमर ने इसमें फैन मेरे को नहीं दिया था। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया और इसके बाद और एक चीज आपको दिखाऊंगा। तो देखिये ये तो चालू हो रहा है, ठीक है, डिस्प्ले भी आ रहा है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ये बहुत ही गर्म हो रहा है जो कि लैन, इसका लैन आईसी बहुत ही गर्म हो रहा है और इसका लैन भी नहीं चल रहा है। तो ये जो गर्म हो रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी तो इसको बंद कर दिया और इसका टेम्परेचर आपको अभी यहां पे देखने को मिलेगा। ये है इसका तार, मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली ट्रांसपेरेंसी रख के आपको टोटली दिखाऊंगा। तो ये 33.4 डिग्री सेंटीग्रेड है मेरा रूम का टेम्परेचर। तो अभी हम यहाँ पे रखे हैं, लेकिन कुछ नहीं बढ़ रहा है। जस्ट ये अगर हम SMPS का पावर ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक करेगा और उसके बाद से ये टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, ठीक है, बहुत तेजी से। ये देखिए लाइट आया है और ये धीरे धीरे करके मतलब फटक से बढ़ने लगेगा। ये देखिए 35 हो गया, और यहां पे अभी भी इसमें मैंने पावर देके रखा हूं तो इसकी वजह से ये टेम्परेचर ग्रो कर रहा है। ये 80 के आसपास जा रहा है, इतना गर्म हो रहा है ये। तो इसकी वजह से ये कभी कभी मतलब जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तब ये चालू नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको ऑन कर देते हैं एक बार और। 40 क्रॉस कर चुका है और भी क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो हम इसको पावर ऑफ कर देते हैं डायरेक्ट। तो इसके बाद आपको यहां पे दिखने को मिलेगा कि ये टेम्परेचर धीरे धीरे करके डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ेगा अभी भी। देखिए अब डिक्रीज होना शुरू हो चुका है। ये बहुत ही जल्द ठंडा हो जाएंगे, अभी भी गर्म है इसलिए ये धीरे धीरे करके कम हो रहा है। लेकिन मैं अगर इसको फिर से चला दूंगा तो मतलब सिर्फ पावर ऑन कर दूंगा SMPS का तब भी ये टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ये जो चीज है ये क्या है, ये कुछ नहीं है भाई साहब, सिर्फ ये LAN IC का शॉर्ट है, मतलब इसको हम बदल सकते या तो फिर इसको निकाल के फेंक सकते। तो हम इसको निकाल के दिखाएंगे आपको।
तो थोड़ा सा और सब्र कीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको ये कैसे निकालते हैं। तो निकालने से पहले आपको फ्लूक्स लगाना है, और ये नहीं लगाना है ये आपका मर्जी है, पर फ्लूक्स लगाने में आपको परेशानी नहीं होंगे। तो ये फ्लूक्स, तो फ्लूक्स को इसमें हम लगाते नहीं है। कुछ लोग बोलते पहले फ्लूक्स लगा लेते, हम इसके ऊपर रख देते और ब्लर से थोड़ा सा लगा देते ऐसे, तो ये नीचे गिर के आईसी में हो जाते हैं। ठीक है, एक ट्वीज़र काफी घटिया है तो इसके लिए गिर रहा था हाथ से। और मैं आपको इसका नंबर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए RT8 देख सकते हैं, सॉरी 311DX। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे रख देते हैं और दूसरा लैन आईसी यहाँ पे लगा देते हैं। लेकिन ओ माय गॉड गिर गया, सॉरी, निकालो, पिन तो टूटा नहीं। टूट गया, तो ये पिन थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है गिर के, आप लोगों को दिखाने के लिए ये नीचे गिर गया। दिखा नहीं पाऊंगा, सेम ही है। तो चलिए हम इसको यहां पे लगा देते हैं। ओह माय गॉड, तो और एक चीज मैं बता देता हूँ, ये जो लैन आईसी में लगाया इसमें तोड़फोड़ किया मेरा स्टूडेंट लोगों ने, तो इसकी वजह से पिन काफी शुद्ध हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए ये बराबर लगाने में बहुत दिक्कत होता है। ओह माय गॉड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बराबर इसको लगा दिया। ठीक है, तो ये लगाना काफी मुश्किल का काम होता है और
और ये लगाने के बाद हम थोड़ी देर में आके मिलते हैं। तो अब तो ठंडा हो चुका है, बहुत टाइम मैंने इसको रख दिया। और अभी जो चीज बताना है आप लोगों को वो मैं बता देता हूँ। और ये आईसी सही है और जो मैं निकाला ये खराब है। और ये चेक करने का तरीका अगर आपको जानना है तो इसका मॉडल नंबर देख के आप गूगल कीजिए, पिनआउट डायग्राम निकाल लीजिए और वो आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो और एक चीज मैं बता देता हूँ और प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा। तो मान लो इसका जो सीपीयू है इसमें लाइन नहीं पहुंच रहा है, या तो फिर वीकोर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है लेकिन शॉर्ट नहीं है, तब भी ये चालू नहीं होगा, मतलब एक बार फैन घूम के बंद हो जाएगा। ये इसका सिम्टम आता है, मैं बहुत बार रिपेयर कर चुका हूँ ऐसा मॉडल का बोर्ड। तो ये जो है आपको देखना होगा, या तो फिर ये जो कनेक्टर है ये भी लूज हो जाएंगे, या तो फिर यहाँ पे एक आप देख सकते हैं ये कॉयल लगा हुआ है, तो ये कॉयल भी किसी भी तरीके से अगर लूज कनेक्टिविटी होता है इसमें तो तब भी ऐसा होता है। मान लो कि तोड़फोड़ किया जो कस्टमर का बोर्ड है उस कस्टमर ने, या तो फिर बार बार इसमें ये लगाते वक्त किसी भी तरीके से ये लूज हो गया है ये जो कॉयल है, तो इसकी वजह से भी इसका नो पावर इशू हो सकता है। तो हम आपको लाइव प्रूफ दिखा देते हैं। तो चलिए हम इसको निकाल देते हैं और फिर से तीन डायग्नोस्टिक कार्ड इसमें लगा देते हैं। लगाया और अब हम इसका पावर ऑन करेंगे और अब ये गर्म नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा है। मैं इसमें हाथ रख के या देखिए यहाँ पे पावर ऑन कर दिया, तो अगर ये गर्म होता तो इतने टाइम में मैं हाथ हटा लेता, ठीक है। तो ये देखिए मैं इसको चला रहा हूँ तो ये चालू होकर ऐसे बंद होता है। तो ये VRM में सप्लाई लॉस होने की वजह से ऐसा होता है और कभी कभी ब्रिज का भी इशू होता है, तो वो छोड़िए। ये जो बताना था VRM में जो प्रॉब्लम एक्चुअली में जो प्रॉब्लम आता है तो वो बोर्ड आप रिपेयर कर पाएंगे VRM में काम करके। तो ये जो काम हुआ है अभी मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट करूंगा, तो इसके लिए थोड़ा सा आपका 2 मिनट बर्बाद करूंगा। तो नॉर्मली यहाँ पे 34.2 डिग्री सेंटीग्रेड आप देख सकते हैं और यहाँ पे मैंने इसको फिर से लगा दिया और वीजे केबल भी लगा देता हूँ। डिस्प्ले तो आ रहा था, ये मत बोलिए कि डिस्प्ले क्यों नहीं दिखाया, भाई डिस्प्ले आ रहा था इसलिए नहीं दिखाया, ठीक है कि नहीं। तो हम इसको यहाँ पे रख देते हैं और ये प्लास्टिक का है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये देखिए नॉर्मली 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा, ठीक है। डिस्प्ले आ चुका है, लेकिन जैसे गर्म हो रहा था ऐसे मैं यहाँ पे हाथ नहीं रख पाता, ठीक है। ये तो नॉर्मल टेम्परेचर है यहाँ का, ये 40 के ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लगा के रखा हूं, तो इतने टाइम में ये 40 क्रॉस कर लेता, ठीक है, 45-46 हो जाता, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली गर्म ही नहीं है, ठीक है। और डिस्प्ले भी यहाँ पे तो आया है जैसे आता है, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये जो मैंने चेंज किया आप देख सकते हैं, ये काफी पुराना ऐसे मैंने लगाया क्योंकि मेरे को पता था कि ये ऐसी सही है, जो बोर्ड से निकाले थे स्टूडेंट लोगों ने, तो वो बोर्ड को भी एक बार देख लीजिए, इसका तो दफा रफा हो गया है, इसमें प्रैक्टिस कर करके इसको खा गया लगभग, ठीक है, लेकिन अच्छे से किया है, लेकिन जो निकाल के रखा है उसका तबीयत बिगड़ चुका है, ठीक है। तो देखिए अभी भी वैसा ही नॉर्मली, लेकिन पहले जब वो पुराना ऐसी था तो उसमें ये कैपेसिटर तक भी हीट हो रहा था, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप ये काम सक्सेसफुली कर सकते हैं। और यहाँ पे सब लोग अभी भी यहाँ पे खड़ा हुआ है और काम भी उधर कुछ लोग कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे, और यहाँ पे भी है, ये छुप रहा है, रात का 12 बज चुका है इसलिए, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।